नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय एक विविधता की समझ पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाएं। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों से जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन चित्रों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप रंग खान पान आदि में भी भिन्नता है। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसे किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा में विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनमें अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग है। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो अनपढ़ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हैं, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है, मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार। अब बताइए, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर
अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो, उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा, वहाँ दंगा में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं, उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उसके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वही समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा
आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू है। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है या लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। आपको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी है उन सभी कहानियों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा,
और केवल सांप सीढ़ी खेल से अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियां लिख पाएंगे? भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग-अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न-भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई में सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझे? करीब 2 सवा 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के अन्य भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज से घोड़ों या ऊंट पर बैठकर जाते या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई जमीन की तलाश के में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अवसर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीजें में वे पुराने ढंग पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़ों और खान-पान की आदतों में फर्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे, वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीजों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किसी भी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया।
जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उन ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उनके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं, अपने राजमा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र कि महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग-अलग परिवेश के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग-अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यह गीत अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत ने लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। धन्यवाद दोस्तों।